हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। आज की वीडियो में हम कौन से पेपर लेंगे, पेपर नंबर 11 एंड 12, उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टेस्ट नंबर 11 का पहला ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड से क्या मतलब है कि तीन कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, OH माइनस ये H प्लस को लेगा, ये बॉन्ड इधर रिमूव होगा और ये इस तरह से, तो माइनस HBr का रिमूवल हो जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये हमारे पास नेप्थिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इक्वल RS नहीं है, नॉट इक्वल RS। तो इनके जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। पर यहाँ पर आप देखें कि ये जो है राइटिंग एरर है, यहाँ पर ये लॉन्गर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर शॉर्टर लिखा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप C1C2 बॉन्ड है, आप C1C2 बॉन्ड को एनालिसिस कीजिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर पाई है। दैट मीन्स C1C2 जो है बॉन्ड है वहाँ पर क्या आ रहा है, दो बार पाई आ रहा है और वन बार सिग्मा आ रहा है। उसी तरह से यदि C2C3 में देखें, C2C3 में हमारे पास वन सिग्मा है एक बार, फिर पाई है, फिर सिग्मा, यानी दो बार सिग्मा है और एक बार पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होंगे, सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो होंगे वो मोर होंगे। मोर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बजाय C1C2 के। तो यहाँ पर अपने को पूछा, जो बोला गया था वो क्या बोला गया था, C1C2 बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा इससे C2C3 से, C2C3 बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिए आप, शॉर्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर। तो अपने को फीवर का पता करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एनाल्जेसिक होती है, एनाल्जेसिक का यूज़ अपन करते हैं पेन किलर के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं कि जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं बैक्टीरिया से उनको रिमूव करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ किस में करते हैं कि टेंशन या एंजाइटी अपने पास हो रही हो तो उनको रिड्यूस करने के लिए। और एंटीपायरेटिक जो होते हैं ड्रग्स, उनका यूज़ अपन करते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, एल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा 20, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट पूछना है। तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है CH3CO CH3, यहाँ पर pH आ जाएगा, pH, या इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड हो CH3, ये जो नाम है इसका ये है एसिटोफिनोन। तो ये ईथर है नहीं है, ये क्या कीटोन है, ये ईथर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। डाइस्टेज इज एन एंजाइम, ये सही बात है कि डाइस्टेज एक एंजाइम है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, कि जब भी स्टार्च को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में रिड्यूस करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, डाइस्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर पूछा गया कि साइक्लोहेप्टेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोहेप्टेन क्या होता है, हमारे पास साइक्लोहेप्टेन ये सिंपल इस तरह का कंपाउंड है। तो ये क्या है, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है, ना कि एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी, कि डाइस्टेज एक एंजाइम है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम करना है तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड ये दिया हुआ, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे आ रहा है मिथाइल, तो एक ही सब्सटीट्यूएंट है तो 5 पे लिख दिए मिथाइल। 6 कार्बन की है ये, हेक्स और 1 पोजीशन पे, हेक्स 1 आयन, 5 मिथाइल हेक्स 1 आयन, 5 मिथाइल हेक्स 1 आयन। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड ऑन डीहाइड्रोजिनेशन गिव्स ए कीटोन।
कि हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर करना है, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, कीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में आप देखिए कि RCH2CH2OH ये ले लें अपन, ये प्राइमरी अल्कोहल है कि जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है, प्राइमरी है। तो ये अल्कोहल क्या प्राइमरी है, इसमें आप डिहाइड्रोजनेशन कराएं कॉपर की प्रेजेंस में 573 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 573 केल्विन पे, सॉरी 573 केल्विन ही होगा यहाँ पर, डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेट होकर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे यहाँ पर R, यहाँ पर H, यहाँ पर आप CH3 लगा दीजिए और ये OH, तो इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। टर्सरी अल्कोहल यदि होता है, टर्सरी अल्कोहल से मतलब है CH3 और OH, यदि आप इसका डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ना कि एल्डिहाइड या कीटोन का। तो कीटोन किससे बन रहा है अपने पास, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलेमीन एंड डाइमिथाइलेमीन। तो मिथाइलेमीन क्या होता है, CH3NH2, ये क्या है, प्राइमरी एमाइन है। और डाइमिथाइलेमीन हमारे पास क्या होता है, CH3NH CH3, ये डाइमिथाइलेमीन है, ये एक सेकेंडरी एमाइन है। तो हमारे पास कार्बिलेमिन टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एमाइन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CHCl3+KOH के साथ में। तो प्राइमरी एमाइन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक आइजोसाइनाइड जो कि बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये बना लेता है। बट यदि सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, तो एक रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये टेस्ट अपन इन दोनों के सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या केमिकल टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अब बाकी अपन चेक करें तो यहाँ पर फैलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट ये किसके लिए यूज़ होते हैं, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और लुकास टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो एमाइन के डिस्टिंग्विशन के लिए अपन कौन सा यूज़ करेंगे, कार्बिलेमिन टेस्ट। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा ए। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अपने को बताना है किनके, कायरल कार्बन के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, CIP रूल लगाना है। तो यहाँ पर इस कार्बन पे देखिए जो ग्रुप्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो 1 नंबर इसको देंगे। इसके बाद यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये COOH इस तरह से ग्रुप है, ठीक है। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, क्लोरीन का ऑक्सीजन से। तो सेकंड प्रायोरिटी इधर देंगे, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाने पे क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर होना चाहिए था, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको कैंसिल करके क्या कर देंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। इसी तरह से अब नीचे वाले का कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग 1 इसको देंगे, 2 ऊपर आएगा, 3 4। अब 1 2 3 जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो एस नहीं होके ये क्या होगा, आर होगा। अब नंबरिंग करनी है कि नोमेनक्लेचर से सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा, यहाँ पर 1 को ही मिलना चाहिए क्योंकि COOH है, फिर 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये 2 पोजीशन पे आ रहा है एस, 3 पोजीशन पे आ रहा है आर, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, डी ऑप्शन। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो, यहाँ पर PHCHO अपन लेते हैं 2 मोल, KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो इसी का एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एक बार रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन से एसिड का फॉर्मेशन और रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है या RDS स्टेप है वो कौन सा होगा, तो इसके मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है, जो OH- था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। जब ये नेगेटिव वापस जा रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस जा रहा है, और ये हाई ड्राइव H- निकल के वापस अटैक किस पे कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड पे। ये जो स्टेप है ये हमारे पास स्लो स्टेप है, यानी RDS स्टेप है। तो हाइड्राइड ट्रांसफर वाला जो स्टेप है वो हमारा स्लो स्टेप है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो होगा आंसर वो क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव ए कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COOH होता है। अब यहाँ पर देखिए पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, यहाँ पर ये
NO2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर ही एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, बट इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है या मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो ये है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड CWH ग्रुप नहीं है, अपना आंसर ये हो सकता है। इथेनोइक एसिड अपन देखें तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, यहाँ पर COOH है। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन होता है 2-ethanoyloxybenzoic एसिड, यानी ओ सी डबल बॉन्ड हो CH3 और यहाँ पर COOH, ये एस्पिरिन होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन पर COOH ग्रुप। तो यहाँ पर सब जगह COOH ग्रुप प्रेजेंट है बजाय ए के, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट 45 में हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, न्यूट्रल होगी। तो फर्स्ट तो अपन ने स्टेबिलिटी का बता दिया कि फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड में डिसाइड करना है। तो सेकेंड और थर्ड में आप देखिए तो यहाँ पर इस ये कार्बन पर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और यहाँ पर कम्प्लीट ऑक्टेट है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कंप्लीट ऑक्टेट रखता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय किसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट के। यहाँ पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है सराउंडिंग में, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट के बाद में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फिर हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा अपने पास, फर्स्ट थर्ड सेकेंड, हमारे पास ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से आज हमने टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट कर लिया ये वाला। अब टेस्ट नंबर 12 देखते हैं। टेस्ट नंबर 12 में पहला ही क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, सब कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वल होती है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसके इंटरमीडिएट होती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट होती है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी इन बेंजीन, ये किसके इंटरमीडिएट होगी इसके, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी इसकी बॉन्ड लेंथ और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो राउंड होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो होती है 1.39 या 32 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बॉन्ड लेंथ आती है बेंजीन की ये अराउंड 1.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है, जो कि दोनों के इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जिन रिंग में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो किससे कम है, सिंगल बॉन्ड से कम है, तो ये ऑप्शन लोअर होना चाहिए था, और डबल बॉन्ड से लॉन्गर है, यानी डबल बॉन्ड से लॉन्गर है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एल्कीन है H प्लस के साथ में इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट फाइनल क्या होगा, तो इनिशियल क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर पॉजिटिव लग गया, यहाँ पर H3 आ गया। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये ट्रांसफर होंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि कार्बोकेटाइन आता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो क्या हो जाएगा PHC, यानी ये इधर चला गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा, अब यहाँ पर CH2CH3। रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब नेक्स्ट स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा। अब इस पे क्या करेंगे अपन, H2O का अटैक कराएंगे, क्योंकि इससे आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना PHCH, यहाँ पे OH CH2 CH3। तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, इसलिए जो आंसर हो जाएगा इसका वो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कंपाउंड है, कायरल है, यदि इसके एल्कोहलिक सिंपल KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता करना है। OH- है, KOH से जो है वो अटैक कहाँ करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और BR रिमूव कर देगा, SN2 मैकेनिज्म हो रही है, तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है कि OH यहाँ पर बैक साइड से आ रहा है तो H रिवर्स होकर उधर चला जाएगा और बाकी CH3 और CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब इसका अपन को RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट तो अपन ने बना लिया, तो 1 नंबर CIP रूल से इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 एंड 4, तो 1, 2, 3 जाएंगे आप, तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, R होना चाहिए था, बट फोर्थ ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको कैंसिल करके S लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा B, आंसर इज B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हमारे पास यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी गई है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा कि ये AlCl3 लुईस एसिड है, ये Cl- को
लेकर अपने पास चला जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियली जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। जो हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ से होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन से अपने पास जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है उस पर बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैक करेगा, ये हमारे पास फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, ये कार्बोकैटायन। अब इस पर ये अटैक करेगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, वो किस तरह का बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बनेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने को मैच कर रहा है, कोई सा भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि नन ऑफ दीज आर प्रोडक्ट, कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनना चाहिए, पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, द आईपीएसी नेम ऑफ इथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर, तो इथाइल क्या होता है, इथाइल हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल की चार, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल है और ये इथाइल ग्रुप है, ईथर बना दिया। तो अब इसका आईपीएसी नेम अपने को लिखना है, तो आईपीएसी नेम के लिए पेरेंट चेन कौन सी होगी, 1, 2, 3, तो 1 पोजिशन पर क्या है, ये इथोक्सी, 1-ethoxy, 2-methyl प्रोपीन, 1-ethoxy, 2-methyl प्रोपीन, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दिया गया है यहाँ पर कि C6H5OH की रिएक्शन किसके साथ करा रहे, CHCl3+NaOH के साथ, तो ये सैलिसैलिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी PHCH यहाँ पर जो ये फिनॉल था इस पर एक CHO ग्रुप आ जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसैलिहाइड। तो यहाँ पर जो इस मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट है या जो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमारे पास जो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव है और क्लोरीन, तो ये कार्बन पे नेगेटिव हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, सी एल माइनस इसको लेके बाहर निकलेगा, पर फिर भी कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है पर लोन पेयर के फॉर्म में रहेगी, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कार्बिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड है और ये कार्बिन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही, तो इस पर बेंजीन रिंग जो फिनॉल होता है वो फर्दर अटैक करता है। ये जो यहाँ पर OH होगा इसके यदि डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा OHCHO। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को सिंपली ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो वो होगा बी ऑप्शन, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0°C इट गिव्स, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, तो यहाँ पर अपन ने एनिलीन है, एनिलीन की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl और वो की 0°C पे, तो ये 0°C पे NaNO2 प्लस HCl क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, और HNO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, PHN2+Cl-। ठीक है, और ये 0°C-5°C पर ही हाईली स्टेबल होता है, यहाँ पर ये जो फॉर्म हो रहा है ये बन रहा है डाइएजोनियम सॉल्ट, तो अपने को यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो होगा डाइएजोनियम सॉल्ट, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि एन ईथर इज मोर वोलाटाइल, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस है देन एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो सही बात है कि हमारे पास जो ईथर होते हैं, और क्या ईथर का मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यदि इसी मॉलिकुलर फॉर्मूला टाइप की कोई अल्कोहल लेते हैं अपन, जैसे कोई अल्कोहल अपन ने ये ले लिया, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला वैसा ही है, तो इनके बीच में क्या होगी, यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये लेस वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीजंस जो स्टेटमेंट अपने को दिया था उसका रीजन क्या हो जाएगा कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स जो होते हैं वो लेस वोलाटाइल होते हैं देन ईथर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द ड्रग यूज्ड एज पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स का यूज़ किस में करते हैं, पेन किलर के लिए मेनली यूज़ करते हैं इनका, तो अपने को पोस्ट ऑपरेटिव यानी थोड़े से ऑपरेट करने के बाद में अपने को कौन सा यूज़ करना चाहिए एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एमोक्सिसिलिन एंड सल्फापिरिडिन जो है वो एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होती है, ठीक है, और एल डोपा जो यूज़ होता है वो डोपामिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है पार्किंसन डिजीज में या डोपामिन रेस्पॉन्सिव डिस्टोनिया में, ठीक है। यहाँ पर जो एनाल्जेसिक यूज़ हो रहा है वो है ओनली मॉर्फिन। जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो क्या कैसे काम करते हैं कि हमारे बॉडी में जाकर जो ब्रेन है उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके फंक्शंस को जो है कि वो जिस फंक्शन के थ्रू अपने पेन को पहचान पाते हैं उसको अपन क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, जिससे अपने को पेन रिलीफ हो जाता है कि अपने को पेन की जो होती है फीलिंग नहीं आ पाती। तो अपने पास जब भी अपन ऑपरेशन कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो इस तरह के अपन एनाल्जेसिक्स को देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक मेडिसिन कौन सी है, वो है मॉर्फिन, ठीक है। इसकी जगह आप मॉर्फिन या हीरोइन ये सब जो वर्ड यूज़ करते हैं अपन, ये अपन नशे के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है अपने को टेम्परेरी पेन रिलीफ मिलता है, इसलिए जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि फिनोल इज ए वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड, तो फिनोल जो होता है ये होगा फिनोल, ठीक है, और एसिटिक एसिड क्या है, सी एस थ्री सी डबल बोन ओ एच, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, इन दोनों से H प्लस यहाँ से भी H प्लस रिमूव कर देंगे, H प्लस यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस कराएंगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा एसीटेट आयन बनेगा, एसीटेट आयन में हमारे पास यदि हम रेजोनेंस कराते हैं तो हमारे पास ओनली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो नंबर ऑफ आर एस से ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा, उसी वजह से जो हमारे पास एसिड है वो भी ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होगी। या आप डायरेक्टली यदि पी के वैल्यू भी देखें तो पी के वैल्यू क्या होता है, इसका लेस होता है और इसका हाई होता है, तो जिसका पी के वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ड्यू टू एसिटेट आयन की जो बेटर स्टेबिलिटी है उसकी वजह से सी एच थ्री सी डब्ल एच जो है मोर एसिडिक है देन फिनोल, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज ऑफ, तो यहाँ पर इनिशियली फिनोल है, तो फिनोल का आप देखिए, सॉरी फिनोल नहीं, ये एल्कोहल है, एल्कोहल है, यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4+ की प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वो भी कौन सी होगी, E1 एलिमिनेशन, इनिशियली कार्बोकैटायन बनेगा फिर रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें वो अपने पास बन जाएगा एल्कीन, ठीक है, इसी तरह का एल्कीन बनेगा। फिर इसके बाद अपन ने क्या यूज़ किया, Cl2H2, इससे अपन क्या बनाते हैं HOCl क्या होगा, HO-Cl पॉजिटिव, तो इनिशियली नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और इससे हैलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा मोस्टली, तो हैलोहाइड्रिन मोस्टली क्या, हैलोहाइड्रिन ही बनता है HOCl से, एक बार एक कार्बन पर OH जुड़ जाएगा, एक कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा, Cl के बाद में अपने पास साइनाइड है, तो ये क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, Cl को रिमूव कर देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, OH और CN, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। अब इसका यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे जो हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड N है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, यदि एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पे CN कन्वर्ट हो गया COOH में। अब इसका अपन Cr2O7-2- इन एसिडिक मीडियम, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, COOH को तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, OH को, OH को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीटोन में, और यहाँ पर COOH, तो ये जो है ये क्या है, बीटा कीटो एसिड है, ये हमारे पास COOH है, यहाँ पर अल्फा और ये बीटा पोजिशन, जैसे ही बीटा कीटो एसिड को अपन हीट करते हैं तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी वो कौन सी होगी, ये वाली CO2 गैस रिमूव होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर अपने पास जो बन जाएगा वो ये बनेगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो अपने को लास्ट प्रोडक्ट पूछा है वही पूछा था, लास्ट प्रोडक्ट ये है जो कि सिमिलर है किससे, बी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर 45, यहाँ पर ये क्या दिया, प्रीम प्रोपीन है, प्रोपीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर देखिए तो C3 है हमारे पास, यहाँ पर H6 है। इसी तरह से हमारे पास ये साइक्लोप्रोपीन है, इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H6 है, यानी दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। बट यहाँ पर देखें तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये रिंग है, ये असाइक्लिक है और ये साइक्लिक है। तो इस तरह से जब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और एक कंपाउंड साइक्लिक हो और दूसरा असाइक्लिक हो, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है रिंग चेन आइसोमर का, ये एक दूसरे के जो होंगे वो रिंग चेन आइसोमर होंगे। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह आज हमने 11th और 12th पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।